अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीट्यूब गार्डन। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूर के फ्रूट को जो उसके बेरीज होते हैं वो सुकर जाते हैं और एक बीमारी सी लग जाती है, जिस तरीके से आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से बंचेस आपके ख़राब हो जाते हैं और आप समझते हैं कि पता नहीं हमारे अंगूर के पौधे को कोई बीमारी लग गई है। सो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेरे पौधे पे कुछ बंचेस पे इस तरीके से एक मसला आ रहा था, तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद कोई इसकी रूट्स में फंगस आ गई है या फिर कोई फ्रूट के अंदर फंगस लग गई है, क्या सीन है। तो इसके ऊपर जब मैंने तहकीक की और बहुत सी वीडियोस वगैरह भी देखी मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी, दोस्तों से राय ली, तो मोस्टली लोगों का ये कहना था कि ये एक फंगस है, इसके ऊपर आप फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके फ्रूट जो सा है वो ठीक हो जाएंगे और जो बाकी के सही हैं वो दोबारा मज़ीद ख़राब नहीं होंगे। लेकिन मैंने जब इसके ऊपर गौर किया तो मैंने ये देखा है कि ये फंगस नहीं है, किसी भी किस्म का आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी है। फंगस हो तो आपके पौधे के पत्तों पर भी जो सा उसके सिम्टम्स शो हो जाते हैं। आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी हो उसके बावजूद आपको इस तरीके से मसला आ रहा हो, ये देखें दाने ख़राब होकर गिर रहे हैं, सूख रहे हैं, बिल्कुल बारीक से हो रहे हैं। तो जब आप मैंने इस पर गौर किया ना तो मुझे पता लगा जी ये काम है इस सूंडी का, इसके ऊपर सूंडी का हमला है। ये देखें, ये एक सूंडी है और ये बेसिकली इसके तने के रस को चूस लेती है, बेरीज के अंदर खुराक जाना बंद हो जाती है, बेरीज शिलिंग होकर गिर जाती हैं। तो इसके लिए आपने अच्छा सा कंपनी का, किसी भी कंपनी का पेस्टिसाइड स्प्रे करना है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो कीड़े हैं वो ना आएँ और कीड़े जो सा इसको बर्बाद ना करें। ये देखें, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये काफ़ी ज़्यादा कीड़े इसके अंदर लगे हुए हैं बंचेस के अंदर और ये सारा बंच जो सा इसने इसका ज़ाया कर दिया है, ख़राब करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो खुराक खाते जाते हैं और बेरीज को खुराक मिलना बंद हो जाती है और आपकी बेरीज सूख जाती हैं और कई बंचेस जो हैं आपके ख़राब हो जाते हैं। जिस तरीके से अब ये देखें, ये भी काफ़ी इन्फेक्टेड हो गया, वो आगे सामने वो भी ख़राब हो गया, कुछ एक बंचेस ख़राब हुए हैं। तो बड़ वक्त हमने इसको देख लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और इसे छुटकारा पाएंगे। सो इस तरीके से आप भी गौर व फिक्र कीजिएगा, जिन जिन दोस्तों के पास ये मसला आ रहा है वो देखिएगा कि फंगस नहीं है, ये सूंडी है। तो फंजीसाइड का स्प्रे कर भी देंगे तो सूंडी नहीं मरेगी, और जब सूंडी नहीं मरेगी तो वो अपना काम करती रहेगी और आप कहेंगे कि फंगस की दवाई भी डाली है, पौधे को फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, हमारा फ्रूट स्टिल ड्रॉप हो रहा है। तो मेन वजह जब तक नहीं आपको पता होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब तक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।